दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, इन दिनों जिनका प्रयागराज में मकान है वो नगर निगम के बढ़े हुए गृह कर से परेशान है। इसके समाधान के लिए 23 जुलाई को नगर निगम सदन की बैठक में बढ़े हुए गृह कर की विसंगतियों पर चर्चा हुई और तय हुआ कि अब भवन स्वामियों को अपने मकान का पूरा ब्यौरा एक फॉर्म में भरकर देना होगा। इसमें यह भी बताना होगा कि वे स्वयं मकान में रहते हैं या किराए पर दिए हुए हैं, मकान कितने मंजिल का है। इसी दस्तावेज के आधार पर नगर निगम का कर विभाग गृह कर निर्धारित करेगा और इस शपथ पत्र को 31 अक्टूबर 2023 तक जमा किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि गृह कर कैसे निकालेंगे। गृह कर निर्धारित करने का विशेष नियम है। इसके लिए सबसे पहले अपने प्लाट के एरिया को निकालें, फिर कवर्ड क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी बताते हैं कि जो क्षेत्रफल आएगा उसके 80% क्षेत्र पर टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके मकान का दायरा 30 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा है, ऐसी स्थिति में इसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट होगा। इसका 80% 720 वर्ग फीट होगा और इसी पर टैक्स लगेगा। इसमें बचा 20% क्षेत्र बाथरूम व अन्य उपयोग में जोड़ा जाता है जिस पर कर नहीं लगेगा। 12 माह को क्षेत्रफल व सर्किट रेट से गुणा करेंगे, जैसे 720 × 12 × 1.75, इस प्रकार 15,120 रुपये मूल्यांकन आएगा। इस मूल्यांकन पर ही 11% गृह कर लगेगा जो 1663.2 रुपये होगा। समय पर गृह कर जमा करने वालों को इसमें 10% की छूट भी मिलेगी। इसी तरह मूल्यांकन मूल्य का 12.5% जलकर और 4% सीवर कर भी लगाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में भवन स्वामियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा भवन स्वामियों से शपथ पत्र लेने के लिए प्रमुख स्थानों पर शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा जोनल कार्यालय में भवनों के स्वमूल्यांकन का शपथ पत्र भी लिया जा सकेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।